दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी उतावली पागल हो जाती है, जिसके पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वो ब्रोथल यानी कोठा नंबर 64 में चली जाती है, जहां वो अपनी काली तितली का काला चमगादड़ बनवा लेती है। लेकिन इसके बाद उसका बीएफ उसे घंटा भाव नहीं देता और वो शहर की नंबर वन हस्ती यानी नंबर वन 64 की घस्ती बन जाती है, जिसे शहर का हर एक बंदा ठोकता है। तो चलिए देखते हैं इस प्यारी सी गर्लफ्रेंड की कहानी को। और हाँ, एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मूवी की शुरुआत नीमो नाम की एक लड़की के साथ होती है, जो आज उछल उछल कर और मटक मटक के अपने बॉयफ्रेंड नुन्नू से मिलने जा रही होती है। वो सोचती है आज मेरा नुन्नू मुझे पटक पटक के पेलेगा, लेकिन नुन्नू की बात सुनकर नीमो की फटके चार हो जाती है। नुन्नू नीमो से कहता है, तुम्हें मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोठे में जाना होगा, जिसे सुनकर नीमो कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन नुन्नू बोलता है, सिर्फ 15 दिन की तो बात है, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी साथ रहेंगे। दोस्तों, नीमो नुन्नू से इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए कोठे में क्या कहीं भी जा सकती थी। इसके बाद वो एक ब्रोथल में जाती है, जहां वो कोठे की मालकिन रानी बेगम से मिलती है। वहीं रानी बेगम उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ के कहती हैं, मुझे जितना बताया था तुम उससे भी ज्यादा कंचा पीस हो। लेकिन नीमो कहती है, आप मेरे फिगर को नजर मत लगाओ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तो रानी बेगम कहती हैं, बेटा कोठे का एक दिन का स्वाद बाहर की दुनिया के 10 साल के इक्वल होता है, और धीरे धीरे तुम सबका स्वाद लेना सीख जाओगी। अब यही तुम्हारी जिंदगी है और यही दुनिया है। इसके बाद रानी बेगम नीमो को उसका कमरा दिखाती है और कहती है, तुम्हें एक प्राइवेट रूम भी दिया जाएगा, जहां तुम क्लाइंट से अपनी तितली का काला भूत बनवाओगी और जितनी भी कमाई होगी उसका 50% हिस्सा मुझे मिलेगा। इसके बाद रानी बेगम नीमो को कोठे की हस्तियों यानी नंबर वन हस्तियों से मिलवाती हैं, जहां एक लड़की नीमो से पूछती है कि तुम्हारा पिंप कौन है। लेकिन नीमो को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद रानी बेगम नीमो से कहती है, तुम्हें अपने फिगर को टाइट और दमदार रखना है, जिससे ज़्यादा क्लाइंट तुम्हें ढो सकें, और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो वहीं डॉक्टर नीमो से कहता है, चल जल्दी नंगी हो जा, मुझे तेरा चेकअप करना है। लेकिन भाई, डॉक्टर जरूर कोठे का है लेकिन नंबर वन ब्रांडेड बंदा है। जब डॉक्टर नीमो का बॉडी चेकअप कर रहा होता है तो वो नीमो से कहता है, तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो। तो नीमो कहती है, मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड नुन्नू के लिए कर रही हूँ, बस 15 दिन की बात है, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी साथ रहेंगे। तो डॉक्टर बोलता है, तेरे तो लग गए एल, वो काट गया तेरा चूतिया। अगले दिन रानी बेगम नीमो को पैप्रिका नाम से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। दोस्तों, पैप्रिका का मतलब होता है तीखी लाल मिर्च, क्योंकि नीमो इतनी हॉट लड़की थी कि जो भी उसे देखे तो देखता रह जाए, और साथ ही उसकी जवान भी बहुत चलती थी। कोठे में पैर रखते ही नीमो को एक क्लाइंट मिल जाता है, जहां रानी बेगम बहुत खुश होती हैं, और वहीं पेलन करना चालू होता है कि उससे पहले पैप्रिका उसे रोक देती है। तभी रानी बेगम आ जाती हैं, जहां वो उससे कहता है, मांगता हूं तो देती नहीं जवाब मेरी बातों का, देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बातों का। ये सुनकर रानी बेगम पैप्रिका को लास्ट वार्निंग देती हैं, अगर तूने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद से पैप्रिका काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता था, बुढ़ा जवान आदमी लड़के, सब पैप्रिका को ही चूज करके ले जाके जी तोड़ बजाते थे। और बीते 15 दिनों में ही उसने 40 से ज्यादा बुड्ढों के साथ गेम बजवा लिया था, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। और वहीं रानी बेगम भी नीमो से बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जब से पैप्रिका इस कोठे में आई है, वो इस कोठे को 5 स्टार की रेटिंग तक पहुंचा देती है। उसकी सुंदरता देख के कोठे की घस्तियां भी नीमो को पेल देती हैं, और ये बात पैप्रिका रानी बेगम को बताती है, जिसे सुनकर बेगम की तितली में भी खुजली मच जाती है, और वो अपने नकली घोड़े से पैप्रिका के साथ ही जमाजम कर देती है। उसके बाद पैप्रिका की दोस्ती उसके पहले क्लाइंट फ्रैंको से हो जाती है, जो एक साथ डेट पर जाते हैं। दरअसल फ्रैंको को पैप्रिका से प्यार हो जाता है। फ्रैंको नीमो से कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन पैप्रिका कहती है, मैं अपने नुन्नू से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे ही वो अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके घर आएगा मैं ये काम छोड़कर उससे शादी कर लूंगी। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है, जो उसकी कॉल को पिक नहीं करता, जिससे पैप्रिका का मूड ऑफ हो जाता है। तो वहीं फ्रैंको पैप्रिका का मूड सही करने के लिए उसे डिनर पर ले जाता है, जहां वो काफ़ी मस्ती करते हैं, और वहीं पैप्रिका अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसको देखकर पैप्रिका के पैरों से जमीन गायब हो जाती है। पैप्रिका नीनू से पूछती है, ये लड़की कौन है और तुम लंदन से कब वापस आए। तो वहीं दूसरी लड़की बोलती है, तू कौन है। तो पैप्रिका कहती है, मैं इसकी धर्मपत्नी नीमो हूँ। तो वो हंसकर बोलती है, अबे मैं इसके साथ 3 साल से टकवा रही हूँ। तो पैप्रिका कहती है, मैं तो 4 साल से। तो ये सुनकर वो लौंडिया वहाँ से चली जाती है, और उसके पीछे पीछे नुन्नू उसे मनाने चला जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मेरा चूतिया कट गया है और डॉक्टर सही कह रहा था।
जिससे नुन्नू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। जिसके लिए दिन रात ठुकी उसी ने मेरा तितली का काला चमगादड़ बनवा दिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंको नीमो को अपनी बातों में फंसा के अपने घर में ले जाके दबा के हैंडपंप देता है। अगली सुबह पैप्रिका फ्रैंको के लिए चाय पानी लाती है तो फ्रैंको कहता है तुम मुझसे शादी कर लो और मैं जल्द ही नेवी का कैप्टन बनने वाला हूँ, तो पैप्रिका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो फ्रैंको से कहती है प्यार में धोखा और तुम सब ने मुझे ही ठोका, मेरा मन करे तो तुम्हारे पिछवाड़े में दे दूं लोटा। वहीं पैप्रिका फ्रैंको से ये बोलते हुए जाती है अब मैं फिर से कोठे में काम करूंगी क्योंकि तुम लोगों ने पहले से ही मुझे घस्ती बना दिया है। अगले दिन नुन्नू ब्रोथल में पैप्रिका से मिलना आता है। नुन्नू पैप्रिका से कहता है तुम यहाँ जितने भी कमाती हो उसका 60% मेरा होगा, तो पैप्रिका कहती है अबे ओ मैं यहाँ खुद 50% कमाती हूँ और तू मुझसे 60% लेगा, तो नुन्नू कहता है मैं तेरा पिंप हूँ। दोस्तों पिंप का मतलब होता है दलाल। नुन्नू पैप्रिका से कहता है तुम्हें मुझे 60% पैसा देना ही होगा, तो अब यहाँ पर पैप्रिका को पिंप का मतलब पता चलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नुन्नू एक घटिया और हरामी टाइप का लौंडा है जो शरीफ लड़कियों को अपने जाल में फंसा के ब्रोथल में पैसों के लिए काम करवाता है। वहीं पैप्रिका नुन्नू से काफी डर जाती है, वो ये बात रानी बेगम को भी बताती है जहां वो कहती है मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी तू टेंशन मत ले। अगले दिन उसी कोठे में एक पिंप आता है जो एक लड़की को खूब मारता है क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया था। ये देखकर पैप्रिका काफ़ी डर जाती है, वो डिसाइड करती है वो इस कोठे को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और एक अच्छी सी जॉब करेगी। अगले दिन पैप्रिका अपने मिशन पर निकल जाती है जहां उसकी मुलाकात उसी पिंप से होती है जिसने कोठे में उस लड़की को मारा था। वहीं वो पैप्रिका को पहचान लेता है और वो उसे दबा के हैंडपंप देता है। इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें एक एक्टर्स की जॉब दिलवा सकता हूं, लेकिन पैप्रिका उसे मना करके गोली हो जाती है। इसके बाद वो अपने ऊंचे ऊंचे पर्वत को लेकर एक बार टेंडर के पास जाती है लेकिन वो उसे जॉब पर नहीं रखता क्योंकि उस पिंप ने पहले ही पैप्रिका को जॉब देने से मना कर दिया था क्योंकि वो पिंप पैप्रिका से अपना कमीशन बनाना चाहता था। लेकिन इसके बाद पैप्रिका के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो उस पिंप के बहकावे में आके एक बड़े कोठे में काम करने लगती है और उस पिंप के जाल में फंस जाती है। पैप्रिका एक बड़े शहर के ब्रोथल में काम कर रही थी जहां उससे जवान आदमी कम बुढ़े आदमी ज्यादा से ज्यादा पिलमपाली कर रहे थे जिससे उसे पिछले कोठे से 10 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे और पैप्रिका बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसी ब्रोथल में काम करने वाली एक लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। ये देखकर पैप्रिका की पटके चार हो जाती है, वो सोचती है ये काम कर करके एक दिन वो भी भगवान को प्यारी ना हो जाए। लेकिन एक बुढ़ा क्लाइंट पैप्रिका को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आजा रानी दे दे अपना पानी मुझे कर दे भंड दे दूं मैं तुझे अपना हैंडपंप। एक दिन पैप्रिका को वहीं पर फ्रैंको मिलता है जिसे देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उनसे रहा नहीं जाता और जीत तोड़ ठुकाई हो जाती है। वहीं फ्रैंको पैप्रिका से कहता है मुझे एक बोट लेनी है जिसके लिए मुझे पैसों की नीड है, तो वहीं पैप्रिका फ्रैंको को थोड़े पैसे देती है तो फ्रैंको कहता है मैं तुम्हें ये जल्दी लौटा दूंगा और हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पैप्रिका जिस कोठे में काम करती थी वो बैन हो जाता है। इसके बाद पैप्रिका फिर से शहर के एक नए कोठे में एंट्री लेती है जहां उसकी ओनर उसे रख लेती है। तभी पैप्रिका को पता लगता है कि फ्रैंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है जिसे सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है। एक दिन उसी ब्रोथल में एक सरकारी बाबू आता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि धीरे धीरे सारे कोठे बैन हो जाएंगे और मेरे ये निठल्ले लौंड निठल्ले ही रह जाएंगे, इसलिए वो अपने बेटे के बर्थडे पर उनका निठल्लापन दूर करने के लिए कोठे में लाता है जहां उसका लड़का सभी लड़कियों में से पैप्रिका को ही चूज करता है। वहीं उस सरकारी बाबू को भी पैप्रिका रास आ गई थी, वो एक दिन पैप्रिका को अपने बर्थडे पर बुलाता है और अपनी 20 साल की हवस वाली प्यास बुझा लेता है और इस बुड्ढे को मजा आ जाता है जिससे खुश होकर वो सबके सामने पैप्रिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और फाइनली वो शादी कर लेते हैं। लेकिन बुड्ढे ने ज्यादा ही जवानी का जोश दिखा दिया था जिससे वो भगवान को प्यारा हो जाता है और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन पैप्रिका बन जाती है। इतने सारे पैसे होने पर पैप्रिका फ्रैंको को एक नई बोट दिलवा देती है। अब वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है पैप्रिका जो कि साल 1991 में रिलीज की गई थी जिसे IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 में से। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे जिस भी भाई को मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लो। तो कैसा लगा मेरा एक्सप्लेन? अगर मेरे भाइयों और बहनों को मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।